मुल्क खतरे में है। सबने साथ ली है खामोशी, मगर अब टूट के रहेगी। और मैं उठाऊंगा इस हकीकत से पर्दा। आप हो जाएंगे हैरान, क्योंकि मेकअप का आने वाला है बहरान। सुना तो है दुनिया गोल होती है, पर इन्नी भी गोल नहीं कि तुसी फेरा आ गए हो जी। आप उस दिन भी आए थे ना हमारे प्रोग्राम में, तो आज फिर आ गई, तो इतनी जल्दी। यार देखिए, दुनिया छोटी सी है, दुनिया कहीं भी आप किसी से भी टकरा जाते, तो आज फिर आप मेरे से टकरा गए हो। मुझे तो लग रहा है आप मेरा पीछा कर रही है। मुझे लग रहा है आप मेरा पीछा कर रहे हैं। क्यों, मैं पूछता? अच्छा अच्छा, चले अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि बड़ा संगीन सिचुएशन है। जुल्म होने वाले हैं मर्दों पे, स्पेशली लड़कों पे और बच्चों पे। तो जैसा कि आप मौजूदा सूरत हाल जानती है मुल्क की, अगर किसी भी चीज़ का बहरान या किल्लत आती है ना, उसका प्लान बी रखा जाता है। तो मेकअप पे मेरे ख्याल से अभी बहरान या किल्लत होने वाली है, तो आपने कोई प्लान बी सोचा हुआ है? कैसे सर्वाइव करेंगी बगैर मेकअप के, बाजारों में कैसे घूमेगी? यार मतलब ने इतना मेकअप खरीदा होता है, वो चल जाएगा। देखा जाए तो नेचुरल प्रोडक्ट्स कह लें कि जो होते हैं, लोग चुकंदर खा लो तो होंठ रेड हो जाते ऐसी चीजें यूज करना, यानी कि दो ईटा लेके उन्होंने कोट को ना तो रंग ला लो। ये मैंने टिप दिया है, ये आपने किसी को बताना नहीं है। अच्छा अच्छा, कहीं उच के बेचारी सुबह ही ना खुद ही बगैर मेकअप के शीशा देख के डर जाती ने, तो उन्होंने बारे कुछ दसो ना कि वो माशरे के बाजारों के किमें खुले सिर फिरन गए। ये तो उनके लिए बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो बेचारी ऐसी नहीं फिर सकती हैं। फिर क्या वो मास्क लगा लेती हैं, मेकअप ना किया वो मास्क लगा लेती हैं। जब वो मास्क लगा लेते हैं ना, फिर वो आराम से घूम सकती हैं। अच्छा अच्छा, तो मास्क में भी पता तो चल जाता है ना कि आप देखें किसी बकरी नू मास्क पहना दो तो बकरी लगेगी। तो बकरी तो बकरी है, लड़की लड़की है, लड़की मेकअप के बगैर भी, बगैर मेकअप तो तुम्हें नहीं पता क्या क्या जो रूप बन जाते हैं लड़कियों के। अच्छा, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है कि मैं ना, मेरी एक शादी हो गई बाय डिफॉल्ट हो गई। अच्छा। भाई मैंने ना सुबह उठ के ना, तो मैं अपनी जो जिनको मैं चश्मे बदूर भी कहता था शादी से पहले, तो जब भाई है ना वो शादी शुदा होके मेरे घर में, तो सुबह मैं उन्हीं को कह रहा था कि आंटी जरा बाहर जाए मैं कपड़े चेंज कर लूँ, तो वो उन्होंने मुंह धो लिया था ना बगैर मेकअप के थी, तो देखे ये मेरे साथ जुल्म हुआ कि नहीं। इस तरह नहीं, कोई जुल्म नहीं है, आपकी गलती है। आपने वो कहना चाहिए था कि शादी में भी मेकअप नहीं करना आपने, तो आपको देखिए आपने नहीं मेकअप किया तो आप फिर भी अच्छी लग रही हैं। तो अच्छा, लड़के प्यारे होते हैं या लड़कियाँ? लड़के कैसे, लड़कियां तो, लड़के तो मेकअप का सारा भी नहीं लेते। तो लड़के नहीं लेते ना, इसलिए तो क्यूट होते हैं। लड़के ज्यादा प्यारे होते हैं। अच्छा, ये आप मुझे तो नहीं कह रही? जो मर्जी समझ रही। नहीं नहीं, चले मुझे ना कहें, मेरे दिल रखने के लिए या वैसे ओवरऑल बात करें, क्योंकि लड़की क्यूट होते हैं यार, वो बस बेचारे थोड़ी सी दाढ़ी रखें और स्पेशली थोड़ी सी कटिंग वटिंग करते हैं, बहुत डिसेंट लगते हैं। 10 नंबर हैं आपके पास, शाहरुख खान, फवाद खान और मैं, तो मैं किस नंबर पे आऊँगा? आप 10 पे आएंगे, कंप्लीट आएंगे, क्योंकि देखिए यार आप बिल्कुल नेचुरल हो, वो तो फिर भी फोटोशॉप कर करा के अपनी इमेजेस अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। अगर नेचुरली आप उनको भी देखो तो आप उनको भी ऐसे ही कहोगे यार आप भी नॉर्मल ही हो। वाह, शी इज गुड। ज्यादातर लड़कियां यही कहती हैं कि मेकअप तो हम यूज ही नहीं करती, तो उनका बजट देखा जाए मेकअप का, तो वो मेरे ख्याल से 5 घरों का राशन इकट्ठा मुंह पे लगा लेती। वो लड़कियां झूठ बोलती हैं जो कहती हैं मेकअप यूज नहीं करती। हाँ, मेकअप यूज नहीं करती, वो मेरी नानियां दादियां ये नहीं यूज करती। तो लड़के मेरे ख्याल से, लड़के प्यारे होते हैं या लड़कियां? लड़कियां। अगर बंद हो गया तो आपके और हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, हम लड़कियों को देख कर डर जाया करेंगे। भाई हमारी बात छोड़े, जो मासूम बच्चे हैं, जो उनकी चीखें निकलेंगी, हर जी हर घर से चीखों पुकार होगी, तो मामा को जानते ही बच्चे जड़े ने डरन गए। अरे ओए, मुछा नु वट देंदी, पूछो की होया जी, वो मोच नहीं मुक गया, वो थ्रेडिंग वाले तो आगे ही नहीं आ रहे, बार वो मुछा नु वट दे रही आ रही। ठीक यार, मेरे खातिर रखया होवे, देखा असि कितने अच्छे हैं बगैर मेकअप, तो देखो जी फिर भी खूबसूरत लग रहे हैं, तुसी भी खूबसूरत लग रहे हो, मैं तो कोई ज्यादा ही लग रहा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है इनकी बिल्कुल बंद हो चुकी है इंपोर्ट जो है, तो अभी अगर किल्लत आ जाए या बिल्कुल बहरान आ जाए या ख़त्म होने वाली क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, तो उसके निपटने के लिए आपने कोई प्लान भी सोचा हुआ? हम लोगों का मसला नहीं, आप लोगों का मसला है। क्यों, हम तो मेकअप लगाते नहीं, साडा मेकअप नाल की तलक है? मेकअप करते हैं, देखे कि आप लोगों ने देखना हमें, यही तो जादू, यही तो चाह रहा हूँ मैं। देखे आप मेरे से ज्यादा अच्छी लग रही हैं, उसकी रीजन ही ये है, आप मेरे से ज्यादा अच्छी लग रही हैं, उसकी वजह ये है कि आपने मेकअप किया हुआ है, तो अगर मेकअप ना कर रही होती, मेकअप हम लोगों ने किया ना, आप भी कर सकते हैं।
कोई बात नहीं है, कोई इन्होंने परमानेंट नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ वुमेन या गर्ल्स कर सकते हैं, या मेन भी कर सकते हैं, और मेन करते भी हैं आजकल तो शादी ब्याह पे लड़कियों से पहले लड़के पार्लर में बैठ के फेशियल करवा रहे होते हैं। अगर हमें मर्द बनने का इतना शौक है ना, अगर हम मर्द हैं तो हम मेकअप का सहारा लेना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे मेकअप का सहारा लेना, फिर इतना हौसला रखना कि बगैर मेकअप के लड़कियों को दे शादी पे जितना एक दुल्हन के मुँह पे या उसके उन पे मेकअप लगे इतने में एक और शादी हो सकती है। जो बोल सकते हैं वो तो बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, मगर जो नहीं बेचारे बोल सकते उनका क्या हाल हो सकता है, आए उनसे भी पूछते हैं। हेलो, लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं या लड़के? अच्छा अच्छा, रहा नहीं जाता लगता। अच्छा तो क्यों लड़कियाँ अच्छी हैं? लड़कियाँ क्यों अच्छी? यू क्यों मंगनी नहीं हुई? हाँ ओए मरे, मैनू तो सुन ला, सुनते नहीं सकता बेचारा। चल अगर जे अगर लड़की ने मेकअप नहीं किया तो अच्छी लगेगी? फिर भी अच्छी लगेगी? भाई यार तो कहता बस नफर चलनी चाहिए थी, मैनू बहुत बेचारे नु शादी डाडी आई है। चलो फर्ज किया तुहाडे को 10 नंबर है, मैनू किन्ने दोगे? तुहानू 5। क्यों, बाकी 5 दा की करना? बाकी 5 बस किसी और नु दे देंगे। वैसे तुहाडे को 10 नंबर ने, तुसी देना ते मैनू 1000 चाहंदे हो, मगर की करिए 10 ही ने। तुसी सानू किन्ने दोगे? तुसी भी हीरो? हाँ जी, तुसी किन्ने दोगे? मैं ते तुहानू धक्का ना दे दियां तो मैं भी फिर तुहानू 5। अच्छा अच्छा, दूजे वाले 5, ऐ वाले 5। अच्छा लड़के ज्यादा अच्छे होंगे या लड़कियां? मेरे ख्याल से इंसान अच्छा होना बगैर मेकअप के, नहीं नहीं बगैर मेकअप के लड़के ज्यादा, लड़के तो मेकअप करते नहीं है। करते हैं, क्यों नहीं करते? किसने कहा है लड़के मेकअप नहीं करते? आधे से ज्यादा जो एक्टर्स हैं वो हमारे पाकिस्तान में हर जगह पे वो मेकअप करते हैं, मेकअप के बगैर कोई कैमरे के सामने नहीं। देखिए मैं कसम उठा सकता हूँ कि मैंने मेकअप नहीं लगाया, तो क्या मैं भी कसम उठा सकती हूँ मैंने मेकअप नहीं लगाया? देखिए तो इसीलिए तो हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं दोनों मेकअप के बगैर। देखिए आपका मेरा भी सवाल यही है आवाम से, प्लीज मुझे भी जरूर बताइएगा अगर ये इंटरव्यू यूट्यूब पे आता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो लड़कियाँ विदाउट मेकअप सर्वाइव नहीं कर सकती उनकी लाइफ क्या होने वाली है। मैं भी इस इशू के बारे में जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में ये है। लाइफ तो ऐसी रहेगी, चलो फिर बंदे रेडी हो जन माइंडली तौर ते शौक लैन वास्ते। शौक सानू ते इना शौक ओदो नहीं आएगा जदों इत्थे अल्लाह माफ करे कोई जंग लगन वाली होएगी, ते उस संगीन सूरत हाल हो जाएगी मेरे ख्याल से, तो क्यामत नजदीक है। घर घर से चीखो पुकार की आवाजें आएंगी, अपने ही बच्चे डर रहे होंगे। तो लॉकडाउन में भी ऐसे ही हुआ था ना, जब पार्लर्स बंद थे तो मियां और बीवी में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा था कि मियां कौन सा और बीवी कौन सी है। तो आई थिंक बीवी ने अपनी मुछा मियां नाल ज्यादा बड़िया हो गई। हाँ तो अनफॉर्चुनेटली अब भी यही हालात पैदा होने वाले हैं। यार बहुत अच्छा। अच्छा आपके पास 3 हीरो, मैं आपको नाम देता हूँ, एक टॉम क्रूज है, दूसरे नंबर पे आप चले शाहरुख खान कर लें या फवाद खान पाकिस्तान का, और तीसरे नंबर पे मैं हूँ, तो कौन ज्यादा खूबसूरत है? यार आई लव शाहरुख खान क्योंकि मुझे वो पसंद है, तो मैं डेफिनेटली उनका नाम लूंगी क्योंकि मैंने उनको ऑफ स्क्रीन देखा नहीं है। 1, 2, 3 करना है तो मैं कितने नंबर पे आऊंगा? 2nd नंबर पे। अरे वाह, चले फिर भी बड़ी गनीमत है कि मैं 2nd नंबर पे आ रहा हूँ। Because I don't like Tom Cruise or and I really don't know about him, so definitely you 2nd, first शाहरुख खान ही है। अच्छा अच्छा, चले बहुत शुक्रिया आपका, चाहे दिल रखने के लिए किया क्योंकि मैं भी सुबह शीशा देखा सी, तुसी दिल रखा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लड़कों अभी से ड्रोनी मूवियाँ देखना शुरू कर दो क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों की आदत बन जाए। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए आसपास। अपने मेजबान ताफी अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।